ढोल ग्यारस पर मंगलवार को भगवान काल भैरव को सिंधिया शाही पगड़ी धारण कराई जाएगी। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश से रविवार को शाही पगड़ी उज्जैन पहुंची। परंपरा अनुसार राजघरानों के ओहदेदारों ने महाकाल मंदिर में पंडित संजय पुजारी को पगड़ी सुपुर्द की है। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे वे पगड़ी लेकर काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। पश्चात कलेक्टर आशीष सिंह विधि विधान के साथ भगवान को शाही पगड़ी धारण कराएंगे। अवंतिका नाथ की तरह सेनापति काल भैरव भी साल में 2 बार पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पहली सवारी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर निकलती है। दूसरी सवारी भादव मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 पर निकाली जाती है। दोनों ही सवारियों में नगर भ्रमण से पहले भगवान काल भैरव को सिंधिया राजवंश की ओर से पगड़ी धारण कराई जाती है। इसके बाद पालकी का पूजन होता है और बाबा जन कल्याण के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। अब तक भगवान काल भैरव लकड़ी से बनी पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करते आए हैं। इस बार मंदिर प्रशासक कैलाश चंद्र तिवारी ने मार्गदर्शन में ग्वालियर के दानदाता संदीप मित्तल ने 15 किलो चांदी से नई पालकी का निर्माण कराया है। बाबा काल भैरव सागी की लकड़ी से निर्मित रजत मंडित पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ढोल 11 पर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर के डोल निकालेगा। भगवान गोपाल जी राधा रुक्मिणी के साथ डोल रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। राजवंश की परंपरा अनुसार गोपाल जी को सिंघाड़े से बनी माला पहनाई जाएगी। मंदिर प्रशासक गोपाल अजय धाकने ने बताया 4 बजे पूजा अर्चना के बाद ढोल चल समारोह शुरू होगा। ढोल के साथ जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को जन्म के समय पहनाए गए वस्त्रों को तीर्थ पर ले जाया जाएगा। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर डोल इंदिरा नगर स्थित 16 सागर पहुंचेगा। यहां पूजा अर्चना के बाद डोल पुनः मंदिर की ओर रवाना होगा।